गए थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी और बच्चों के लिए भी काफ़ी रिस्की होता है। तो बस इसी के साथ हम लोग नीचे उतर आए थे रात में ही यहाँ पर ओखी मार्ट में, और यहाँ हमने होटल ले लिया था। तो रात में बहुत टाइम हो गया था, करीब हमने 9:30 बजे हमने होटल में चेक इन किया था। तो ये काफ़ी ठीक ठाक ही होटल था, क्योंकि यहाँ पर भी होटल उतने ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, और बहुत बड़े होटल या रिजॉर्ट नहीं मिलेंगे आपको, तो नॉर्मल मिलेंगे। तो उसमें जो हमें ठीक लगा तो हमने उसमें ले लिया, और बड़ी मुश्किल से हमें एक ही यहाँ पर मिल पाया फैमिली रूम, तो हमने ले लिया था। ये आप देखिए सामने मंदाकिनी बह रही है, जिसकी बहुत तेज़ से मतलब आवाज़ आ रही है, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, हमारे पीछे भी विंडो से दिख रहा था। तो बस हमने व्यू की वजह से हमने ये वाला रूम लिया हुआ था। तो ये है हमारा होटल, और बिल्कुल घर के जैसा ही लग रहा था, मतलब ठीक ही ठाक था, उतना मुझे उतना खास नहीं लगा ये लास्ट वाला, मुझे उतना बस व्यू की वजह से हमने ये ले लिया था, क्योंकि बिल्कुल भी हमें यहाँ नहीं मिल रहा था। ये माइनस में पास कर और बिल्कुल वो थी यहाँ पर हमें जैसे कैसे रात काफ़ी मिल गई। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है हमारा यहाँ पर ये थर्ड डे ही है हमारा, और आज हो गया है मंडे, और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी हम यहाँ पर, कल रात को हमने चेक इन किया था तो मैं ब्लॉग नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी कोल्ड हो गया है, बड़ी की भी हल्की सी फीवर हो गया है, तो बिकॉज इसलिए क्योंकि हम जब ऊपर की तरफ गए थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी, और बच्चों के लिए भी काफ़ी रिस्की होता है, फिर नीचे उतरते समय जब तुम ना टेम्पल से आ रहे थे तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हम भीगे नहीं थे, बट ठंड तो होती है, बच्चों को लग भी जाती है। तो बनी का थोड़ा सा उसको फीवर हल्का सा हो गया था, मुझे भी कोल्ड हो गया था, बट ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो हमने अपना ये कोई ट्रिप हमने उसे ख़राब नहीं किया, पीछे का मेरा व्यू देख रहे हैं। तो हमने कल रात को आके यहाँ पर ये मैं आपको जगह बताऊँगी आपको, ऊठी गांव जो यहाँ पर चौपटा के रास्ते में पड़ता है, तो नीचे उतरते समय हमने यहाँ पर ले लिया था, क्योंकि हमारी गाड़ी का टायर भी हमारा ही पंचर हो गया था, तो हमने सोचा चलो वो भी हो जाएगा ठीक, और रुक भी जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों पर ज़्यादा नीचे गाड़ी ले जाना ठीक नहीं था, रिस्की था, तो हम वहाँ पर रुक गए थे। उसके अलावा बाकी तो व्यू बहुत अच्छा है, हमारा होटल ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पीछे की तरफ जो मंदाकिनी आपको आवाज़ मैंने आपको सुनाई होगी, वो मंदाकिनी रिवर है, जिसको आप जब चौपटा के रास्ते जब नीचे की तरफ उतरोगे तो वो पूरे रास्ते आपका पूरा साथ देने वाली है, और एक अच्छी खासी एक बहुत ही सुरीली आवाज़ के साथ आप अपना सफ़र अपना करोगे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। रात भर हमें आवाज़ आती रही, और पंखे और एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, क्योंकि इतना ठंडा होता है, बारिश नहीं भी होगी तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी हम बस फटाफट यहाँ से चेकआउट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, अब देखते हैं क्या प्लान है, तो मैं आपको जाके ही बताऊँगी। तो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग व्यू। तो ये है छोटा सा फार्म हाउस, जो कि मैं ऐसे कैप्चर करना चाहती थी गाइस, कि चलो इन फ्यूचर कभी हम प्लान करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। पीछे से आप देख सकते हो पूरा माउंटेन, ये पूरा पहाड़ है, और उसके जस्ट आगे की जो साइड में ये छोटा सा घर बना है, फार्म हाउस है, और ये पूरा गार्डन है, और यहाँ आप देख सकते हो पीछे की साइड में, वो साइड में वही रिवर है, वो मंदाकिनी, वो यहाँ पर भी आपको देख सकते हो, क्योंकि हम वो वाला जो सामने रोड जा रहा है वहीं से हम ड्राइव करते कर रहे हैं, उधर ही उस यही रोड चल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज, मुझे ये बहुत प्यारा, आप देख सकते हो बहुत आगे तक ही गया हुआ है, ये मोस्ट 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 ब्यूटिफुल व्यू। बैठे हैं हम लोग, क्योंकि ये रेस्टोरेंट है, और हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि बनी का हमने मेडिसिन वगैरह सब ख़रीदा था, और बनी अभी थोड़ा सा वीक फील कर रहा है, एक्चुअली काफ़ी फील कर रहा है, तो बाकी मेडिसिन हमने उसको दे दी है, ORS वगैरह पी रहा है। बनी, आर यू फीलिंग वेल? नो, लेट ना, अच्छा बनी लेट ना उसको, अभी रुको, बस अभी हम करेंगे यहाँ से ब्रेकफास्ट, तो हमने दे दिया है ऑर्डर, और पीछे बोल रही बनी की चाची, ये बनी की चाचू तो ऑर्डर दे दिया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया था, हमने कुछ एग वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पूरा जो है एरिया वहाँ पर तो कुछ ऐसा नॉनवेज नहीं मिलता है, बट यहाँ पर हमने सोचा थोड़ा सा खा लेते, काफ़ी दिन हो गया था, बनी को कुछ खिला देते, एग वगैरह खिला देते तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, काफ़ी दिन से पराठा वही सब्जी रोटी वही सब खा रहे हैं। तो बस यहाँ से जाने के बाद हम सीधे निकल रहे हैं धनौल्टी के लिए, और वहाँ पर जाके बस
चल रहा है तो कहाँ जाना है फिर बाद में डिसाइड करेंगे, तो अभी तो फिलहाल अच्छे से। तो बताओ हाउ इज योर ब्रेकफास्ट? बढ़िया। शार्ली से समथिंग, मम्मी कैसा? बढ़िया। मनी आपको कैसा लगा बेबी? नहीं अच्छी नहीं। अच्छा तो मैंने मंगाया है अभी यम सा पोहा है, ऑमलेट वेजी और थोड़ा सा ये बेसन भी, मतलब चीला है मतलब बहुत बढ़िया। और ये हमने बनाया था क्रंची सा पराठा, क्योंकि लोग फिनिश कर चुके हैं उसे बिल्कुल सब्र नहीं हुआ तो फटाफट, और हम यहाँ से बस खा के निकलने वाले ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि मम्मी को खानी थी दवाई, बनी को भी खिलानी थी दवाई, तो हम फटाफट फ्रेश होकर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइज अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है क्योंकि ये लोग ब्रेकफास्ट नहीं संप्रच कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग बस यहाँ से निकलने वाले, पता नहीं कब निकलेगी वो नहीं पता है। और बनी भी बस बैठा हुआ है, तो बनी भी ठीक नहीं है, तो अभी शायद दवाई वाई दी तो थोड़ी बहुत ठीक लगेगा उसको। और फिर देखते, मैंने भी फिनिश किया है अपना पोहा, बस एक ग्लास मैंने पानी पिया है, बस इनफ बस चलते हैं। आ चुके हैं तो गाइस अभी हम जा रहे हैं धनौल्टी की तरफ, और ये रास्ता है वो कौन सा है इस रूट से जा रहे हैं टेहरी चंबा। तो ये जो रोड हमने जो पकड़ा है टेहरी चंबा के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, तो बिल्कुल आपको स्ट्रेट बिल्कुल सीधे ही निकलना है, और आप मैप में भी आप सेट कर सकते हो, तो आप इजीली आप जा सकते हो धनौल्टी के रास्ते। तो यहाँ से हमें लगेंगे मिनिमम 3 hours, हमें मान के चलिए लग सकती है 4 घंटा, मतलब आप कंटिन्यू चल रहे हो तो आप 3 hours तो आपको लग जाएगा। तो बस हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं, फिर ऊपर की तरफ से चढ़ना रहेगा, तो मैं आपको रोड दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी है, आप आराम से ड्राइव करके जा सकते हो। तो आगे जो जा रही है वो गाड़ी है हमारी, ये है तो दो गाड़ी है, हम आगे पीछे हम एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं, तो फिलहाल हम पीछे ही चल रहे हैं और आगे धीरज चला रहा है, उसमें शाली और हर्ष बैठे हुए हैं और तीन हम इसमें बैठे हुए हैं, बनी यहाँ पर लेटा हुआ है मम्मी के पास। और तो ये आपको रास्ता मिलेगा, आपको पूरे रास्ते में ऐसी ही सड़क ऐसी मिलने वाली है, तो बस पूरा व्यू का पूरा राधन को पूरा मज़ा लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो बस वो वेदर काफ़ी अच्छा हो गया, थोड़ा गर्म हो रहा है क्योंकि हम ऊपर से आ रहे हैं, तो